ओह गिर गया रोहित। वेट वेट वेट, आराम से धीरे धीरे पहुँचते हैं, पता चले हम भी फिसल गए। रोहित भाई उठो, अबे 9 बज गए, जाना नहीं साला तुम कल की तरह 1:30 बजाओगे। उठो दादा उठो, उठ जाओ यार उठ जाओ, चाय बनती है बाबा। अरे चाय बनती रहेगी, उठो तो सही, बाहर का नजारा देखो। चलो इसको खोलना, जरा खोलना इसको। हाँ भाई गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। क्या चल रहा है? ठंडा चल रहा है। हाय साहब, यहाँ से तो निकलने का मन नहीं कर रहा। क्या पूरी रात नींद नहीं आई, ऐसे ही बैठे बैठे रात गुजार दी पूरी। ये बंदे मस्त सो रहे थे बस। दिखा 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 दिखा, अरे नई चीज दिखाता हूँ एक और। अरे ये देखो पत्थर जम गया इसका। पीने का पानी नहीं। बिल्कुल जमा पड़ा है। जरा सा बीच में है बस। फुल जमा पड़ा है। हेलो, हाँ गरम है ना, बिस्कुट निकाल इसके लिए यार। बहुत ज़्यादा ठंड है यहाँ पर, हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है मेरी। एक्चुअली फ़्लाइट से जब भी आता हूँ तो थोड़ा बहुत तो सर में दर्द होता ही है, ये मैं स्ट्रक करता है हल्का फुल्का। दूसरे दिन ही निकल गया हम, देखा जाए तो कम से कम 2 दिन रेस्ट करना चाहिए लेह में, और उसमें भी जो पहले दिन हम घूम लिए, थोड़ा सा ज़्यादा ही घूम लिए थे और भाग दौड़ हो गई थी, जिसकी वजह से पूरी तरीके से एक्लेमेटाइज भी नहीं हो पाया। और अब थोड़ी थोड़ी सांस फूल रही है, थोड़ी क्या बहुत ज़्यादा ही सांस फूल रही है ऑक्सीजन की कमी की वजह से। एक्चुअली जितना भी वेजिटेशन है यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, ऑलमोस्ट बिल्कुल ब्राउन हो चुका है, ऑक्सीजन तो ऑलमोस्ट है ही नहीं। तो चलिए आज की जो जर्नी है वो शुरू करते हैं। भाई साहब हो जा भाई, चलो जी जय माता दी, शुभारंभ किया जाए आज की जर्नी का। चल बेटा, चलो जी आ जाओ। क्या हुआ क्या हुआ, चलो हवा बहुत ठंडी है, बहुत ठंडी है। देखिए पूरा जो स्ट्रीम है वो भी जमा पड़ा है। तलांगला यहाँ से 27 किलोमीटर है और ऊपर चोटियों पर आप देख सकते हैं काफ़ी बर्फ़ है, और जस्ट ये वाली जो पहाड़ी है जैसे ही क्रॉस करेंगे तो बर्फ़ की जो चादर है जितनी सारी पहाड़ियाँ हैं सभी पर आपको देखने को मिलेंगी। मनाली 389, सरचू 169, तो बाकी हमें तलांगला क्रॉस कर कर जो डेबरिंग वाला रास्ता है जो सीधा सोकर होते हुए सोमुरी जाता है वो पकड़ना है। उसके बीच में एक 2 पासेज और पड़ेंगे, एक पोलो कांगला है और एक अनोन पास है छोटा सा,
तो जर्नी का जो डिस्टेंस आज का वो मेरे ख्याल से 120-130 किलोमीटर है। तो पुरुषुदा भी आ गए हैं, क्या नज़ारा है यार। थोड़ा सा ऑफ रोड, बर्फ ना जमी हुई बस, यहाँ पर रोड खराब है थोड़ा, शुक्र है यहाँ पर बर्फ नहीं जमी हुई, अदरवाइज लग जाती। चल बेटा, वाट लग गई वाट। भाई साहब सीन हो गया, ग्लव्स मैंने लगा दिए साइलेंसर पे और इनकी हो गई ऐसी तैसी। ये देखिए मेरी उंगलियां बिल्कुल सुन हो चुकी है, बिल्कुल भी सेंसेशन नहीं था। तो गाड़ी रोककर हीटर में इसको ताप रहा हूँ जिससे कि थोड़ा सा ठीक हो जाए। लगता है ग्लव्स चेंज करने पड़ेंगे, उन ग्लव्स की तो लग गई है वाट। नहीं, ये इसके अंदर ही पहन लेते तो ना, डबल हो जाएगा। क्या बस बस हैं, बस से फ़ायदा है, है? हवा तो रोकेगा। हाँ लगा सकते हैं। इतने तुम बफ लगाओ, ठीक है, मैं गोप्रो की बैटरी भी चेंज करता हूँ क्योंकि ये भी बैटरी जाने वाली है। तो यहाँ पर हमारे पास बफ पड़े हुए, दिखाना जरा बफ, दिखाना बफ पड़े हुए हैं। ये हैंडल बार पे इनको लगा देता हूँ तो ठंड कम लगेगी। हाँ ये सही है यार, हाँ मस्त जुगाड़ है ये तो, अब ठीक रहेगा। धन्यवाद धन्यवाद, जय महेशमती। लेट्स सी कि ये काम करते हैं कि नहीं। बाकी ठंड बहुत ज़बरदस्त लग रही थी यार, ये तो अच्छा है यार धूप निकली हुई है, अदरवाइज सबकी वाट लग जाती है। ये देखिए कितनी आइस है, कितनी आइस। और थोड़े दिन पहले यहाँ पर एक रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ था और इस टाइम तो कोई भी बाइकर नहीं है यहाँ पर, क्योंकि मनाली वाला जो रास्ता है पूरा बंद है, बहुत बर्फ़ गिरी है इस बार। क्या गजब का नज़ारा है, दिस इज़ एपिक। यहाँ से कैसे निकला जाएगा, बहुत ही ज़्यादा गड़बड़ है यहाँ तो। धीरे धीरे बर्फ़ में से निकालते हैं। यस चल बेटा, यस चलो जी चलो, गजब। यहाँ पर देखिए जगह जगह थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाली है जिससे कि ट्रैक्शन बन जाए। दिस इज माइटी तलांगला। चलो जी, बर्फ वाला सेक्शन तो निकल गया, हो सकता है कि आगे भी मिले। ये देखो पूरे रोड पर बर्फ आई हुई है, मतलब थोड़े दिनों में ये बिल्कुल क्लोज हो जाएगा, अभी नवंबर चल रहा है। एक मिनट, मुझे वाइजर ऊपर करना पड़ेगा, पूरी की पूरी आई से आगे। ये देखो भाई साहब, इसे कहते हैं नेक्स्ट लेवल वाला एडवेंचर। चलो जी धीरे धीरे बढ़ा जाए। ओह गिर गया रोहित। ओह वेट वेट वेट, आराम से धीरे धीरे पहुँचते हैं, पता चले हम भी फिसल गए, क्योंकि बहुत ज़्यादा यहाँ पर बर्फ़ जमी हुई है। एक बाइक गिर चुकी है ऑलरेडी, वो देखिए। तो धीरे धीरे बढ़ते हैं। वेट वेट कमिंग। तो इस ट्रिप का पहला फॉल है ये, एडवेंचर। ओह गई 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 गई, ओह माय गॉड। हाँ ओके, हाँ उठानी तो पड़ेगी। वेट आ रहा हूँ, ये खड़ी कैसे होगी फिर, अली को आने दो फिर। अली मैं अभी हेल्प के लिए आगे जा नहीं सकता, मेरी बाइक बिल्कुल ऐसी जगह खड़ी जहाँ पर साइड स्टैंड लगेगा नहीं। चलो जी बहुत सारे बंदे हैं, है? ए साला तुमने गड़बड़ कर दिया, फोटो नहीं लिया, हम गिरेगा तो हमारा फोटो लेना। सो मुझे लग रहा है कि इम्पीरियो जो है वो चढ़ नहीं पा रही है,
क्योंकि वहाँ पर ट्रैक्शन बहुत ज़्यादा कम है। हमने तो धक्का लगाकर बाइक चढ़ा दी, लेकिन इम्पीरियो को चढ़ने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, गाड़ी नहीं चढ़ रही, गाड़ी नहीं चढ़ रही, गाड़ी ऊपर बोला भी नहीं जा रहा यार, अब गाड़ी स्किड कर रही है। टायर खत्म है ना उसके, मैं पहले ही बताया था चेन लगानी पड़ेगी इसको। लो जी चढ़ी गई आखिरकार, पहले गाड़ी ले जाओ, पहले गाड़ी ले जाओ। हाँ आपका भाई कहाँ पे है? वो आगे फिर फंस गया। चल चल स्पीड में चलो, हो गया हो गया हो गया। तो चेन लगाने के बाद आगे बढ़ रही है ये, ये देखो चेन लगाइए यहाँ पर, पीछे गाड़ी है तो उसको भी निकल जाने देना, पहले निकल जाएगा वो, जगह है। जुलाई नाक सुन हो गई है भाई साहब, नाक में सब कुछ जम चुका है। इसकी आंख, ये क्या बवाल हो रहा है। ये तो पूरा आइसेज है। चल बेटा चल 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 चल, पिछला चक्का बिल्कुल घूम रहा है। ओह पैरों में क्रैम्प आने शुरू हो गए अब तो ठंड के मारे। तलांगला दादा, फोटो 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 खींच दो फोटो। एक्चुअली जो हम राइड कर रहे हैं हिमालयंस विदाउट स्नो चेंज कर रहे हैं। ओ भाई साहब लग गई गंदे वाली लग गई आज तो। उधर स्नो ज़्यादा थी ना इसलिए कह रहा था। एक्चुअली इधर ना स्किड खाएगी, इधर स्किड नहीं खानी चाहिए इस साइड, अच्छा ज़्यादा बेटर है क्योंकि इधर खाई है ना, हिम्मत नहीं है। वो कह रहा है एक्सट्रीम वुड एडवेंचर पेंगोंग वाले अच्छा देखा उन्होंने कर रखा करो यार, लगा देते भी गाड़ी आटो, आटो, आटो। है मेरे पास जिम में पड़ा है, जिम में पड़ा है लगा दो। थैंक यू सर। हाय हेलो, अच्छा कहाँ लगा वाला, कौन सा वाला? पेंगोंग वाला। हाँ वो भी गजब ही था। एक आगे लगा दो एक पीछे लगा दो, एक भाई को तो भाई लगाएगा शीशे पे। हाँ तो यहाँ पर उद्घाटन हो रहा है एक्सट्रीम मोटर एडवेंचर का, भाई की गाड़ी में लग रहा है, बहुत हेल्प करी इन्होंने। चलो हाँ आपकी भी फोटो आएगी वीडियो आएगी। चलो जी बड़ा जाए आगे, फटके चार हो गई है। भाई सांस फूल रहा तगड़े वाला, ये देखो
कैबरिंग यहाँ से 25 है। अब कुछ रोड ठीक आया है, मन कर रहा है कि यहाँ पर ड्रोन उड़ाया जाए, लेकिन हवा बहुत तेज है और ड्रोन के साथ मैं रिस्क नहीं लेना चाहता, बोला भी नहीं जा रहा है। हालत ख़राब है, बहुत ज़्यादा ख़राब। तो लीजिए, हम पहुँचने वाले हैं तलांगला पास, जस्ट थोड़ी सी दूर है और यहाँ पर भी बर्फ़ गिरी हुई है। तो आराम से पूरा ही बर्फ़ ही बर्फ़ है चारों तरफ। यार फोटोग्राफ्स नहीं आ रही, इसका एक दुख है। मेरा फ़ोन किसके पास है पता नहीं, नहीं तो फ़ोन से ही फोटोग्राफ खींचता मैं। तो सामने ही तलांगला पास नज़र आने लग गया है। चढ़ जा हिमालयन, चढ़ जा। भाई आंखों में क्या हो रहा है, आंखों से नज़र नहीं आ रहा। अब आंखों का जो पानी है वो भी जम रहा है, दिखाई नहीं दे रहा। शिट आंसू कंट्रोल करने पड़ेंगे। वेट यार, नज़र नहीं आ रहा, आंखों का पानी जम रहा है। शिट, ये देखो। और बिना वाइज़र बंद किए मैं चला नहीं पा रहा हूँ। फिसल रही है। नहीं, आराम से। उसको तो अभी आ रहे पीछे, धीरे। ओ माय गॉड, तलांगला। हो भाई, नाक का तो पकौड़ा बन गया है। वही कर रहा हूँ। थुपसन मेरा फोन दियो। दिवाली के बाद 2-3 दिन फोन। थैंक यू। हाँ जी दोस्तों, आई होप कि यहाँ तक का जो वीडियो है आपको पसंद आया होगा। रात के बच्चों के हैं 1:30 और मैं अभी तक एडिटिंग कर रहा था अपने लैपटॉप पर,
लेकिन दुख भरी बात ये है, मतलब ये कहानी ये है, आगे की जो फुटेजेस थी वो हो गई थी करप्ट, और आगे का जो सीन था मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया था क्योंकि मेरी जो तबीयत थी काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो रही थी और बोला भी नहीं जा रहा था, जिस वजह से जो व्लॉगिंग है वो मैं नहीं कर पा रहा था। तो आगे के जो सीन्स हैं, मतलब सोकर से होते हुए हम पोलो कांगला होते हुए पहुँचे थे TSO मुरीरी, मतलब कि सो मुरीरी, तो सो मुरीरी तक का जो बीच का सीन है वो आपको नहीं देखने को मिलेगा। बाकी अगले व्लॉग में आपको जो नज़ारे हैं सो मुरीरी के और सो मुरीरी से हम कहाँ जा रहे हैं वो भी आपको पता चलेगा। तो चलिए आज का ये जो व्लॉग है हम करते हैं यहीं पर एंड। आई होप ये जो स्नो एडवेंचर है आपको पसंद आया होगा और आगे भी ऐसा ज़बरदस्त वाले सीन्स आने वाले हैं। पेंगोंग के आएंगे, फिर एक अननोन पास है वो भी आएगा। तो चलिए इसी के साथ हम करते हैं आज का वीडियो एंड, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राइड सेफ, जय हिंद एंड सायोनारा। Dime lo que tú quieres de mi coqueta. Sé lo que te gusta es salir y se suelta. Cuando baila reggaeton pa' mí, que muñeca. Te gusta salir y se oscila.